बैतूल जिले के शाहपुर क्षेत्र में 54 महिलाओं के नाम पर ग्राम के ही एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर प्राइवेट कंपनियों से महिलाओं को बिना बताए लोन ले लिया था। इसकी शिकायत थाना शाहपुर में करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीण महिलाओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी से कार्रवाई करने की गुहार लगाई। बैतूल जिले के शाहपुर ब्लॉक के ग्राम कुसमरी में गांव के ही लखन कुंजाम पर 54 महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लखन कुंजाम ने महिलाओं को बिना बताए प्राइवेट कंपनियों से लोन लिया था। जिन महिलाओं के नाम पर धोखाधड़ी करके लोन लिया था, उन महिलाओं ने थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी तक धोखाधड़ी करने वाले आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद महिलाओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी से कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। और पहले विश्वास दिलाया उन्होंने, एक कंपनी से लोन लेके उन्हें किस्त पूरी पेड कर दिए, उसके बाद दूसरी कंपनी से फिर उन्होंने उठाया, दो तीन किस्त दिए, उसके बाद में वो पैसे लेके फरार हो गए। कौन हुआ? लखन कुंजाम। कितने कंपनियों से लोन लिया था? सर 3 कंपनियों से। हम मदद करें हम यहाँ पे थाना में भी रिपोर्ट सपोर्ट किया था, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है, हम कौन से मदद मांगेंगे, किससे मदद मांगे, कहाँ से लाएंगे 10,000 रुपया, हम खा भी लेते तो दे देते, सब कुछ बेच दिया हमने, अब क्या बेच के देंगे। वहीं तहसीलदार नरेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा महिलाओं की शिकायत लेकर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही गई है। आए थे कुछ गांव के लोग, महिलाएं आई थी, 30-35 महिलाएं थी, जिन्होंने ज्ञापन दिया है कि उनके साथ फोर्जरी हुई है, उनके नाम से किसी ने फर्जी व्यक्ति ने ऋण निकाल कर भाग गया है, उनका आवेदन आज प्राप्त हुआ है, तो जिसमें अभी थाना प्रभारी को कार्रवाई तो लिख रहे हैं। सर उनका कहना है कि उन्होंने पहले भी इसी तरह का आवेदन थाने में दिया था, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो अभी जो ज्ञापन हमको तो आज ही मिला है और मेरे संज्ञान में भी आज ही ज्ञापन के माध्यम से बात आई थी, तो आज हम उस ज्ञापन को थाना प्रभारी को जांच और कार्रवाई को लिख रहे हैं। फाइनेंस कंपनी के वसूलीकर्ता पैसे वसूलने के लिए इन महिलाओं को घर में आकर परेशान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीजीआना न्यूज़।